जिला खबर की बात, ये तीरा में फोर्सेस और फर्जियों के दरमियान फायरिंग का तबादला। चार खबारी जहनम बासला ISPR के मुताबिक पाक फौज के तीन जवान फर्जियों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदा में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। इलाके में खारिश को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में हम मकाम का हामिल है। पाकिस्तान खत्म अम और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो अर्शद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। कौमी तराने की धुन से फिजा मुअत्तर हो गई। कौमी हीरो अर्शद नदीम आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल होगा। कौम को कौमी एथलीट की वापसी का इंतजार। पेरिस ओलंपिक में अर्शद नदीम की फतह। पाकिस्तान और दियार खैर में मुकीम पाकिस्तानी खुशी से निहाल। कौमी एथलीट के गांव में ईद का समा। मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की गईं। लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक जगा नारे। अर्शद नदीम ने पाक वतन का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। और पुर उम्मीद था, रिदम में था, खुद पर यकीन था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। फख्र पाकिस्तान अर्शद नदीम का दुनिया भर के एथलीट को पैगाम। कहा कि ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। इस बार यौम आजादी पाकिस्तान गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।